ईद कुर्बान सर पर आन पहुंची। रहीम या खान की आर्जी मवेशी मंडियों में खूबसूरत और मोटे जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज, व्यापारियों और खरीदारों में रेट्स की बहस दीदनी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। मवेशी मंडी में इस वक्त व्यापारी जो हैं इंतजार में हैं कि कोई जो तगड़ा खरीदार हो वो यहाँ पे पहुंचे और इनके जानवरों के मुंह मांगे जो दाम है वो उनको दे सके। तो उसी जानब जो शहरी हैं उनकी भी कोशिश है कि सस्ता, खूबसूरत, तगड़ा और इसके साथ साथ मुनासिब रेट में कोई कुर्बानी का जानवर मिल सके। इस वक्त व्यापारी भी हमारे से मौजूद हैं और जो खरीदार हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताएगा यहाँ पे मवेशी मंडी में जो इंतजाम हैं वो किस तरह से आप देखते हैं? इंतजाम तो काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन बाज़ुकात ये पानी जो है ना, पानी की जानवरों की आलाइशों को नहरों और सीवेज नालियों में डालने पर पाबंदी होगी। कुर्बानी के जानवर की खाले बगैर रजिस्ट्रेशन जमा कराने पर पाबंदी होगी। कुर्बानी की खाले जमा करने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। लेकिन अभी इन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जिस तरीके से देनी चाहिए थे। दो तीन दफ़ा पानी, सुबह भी भाई मेरा लड़के उसको लेके आया, गाड़ी वाले को फिर पानी लिया, जानवरों को पानी पिलाया, रात सारी जानवर प्यासे खड़े रह गए। बाकी उन्होंने कहा इनको, लेकिन उन्होंने बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया उनके। पानी के हवाले से दीगर जो इंतजाम हैं उस हवाले से व्यापारी परेशान है। आप बताएगा कितने जानवर यहाँ पे लाए थे, कितने बेच सके अब तक? मैंने अभी तक 5 जानवर बेचे हैं, 27 जानवर मैं लेके आया था, तो वो तो तकरीबन मुनासिब दाम में बिक गए, कोई ज़्यादा दाम नहीं इधर मिल रहे। जो भी कस्टमर इधर आता है उसकी कोशिश यही है कि जो हमारी कीमतें खरीदे उससे भी कम उसको जानवर मिले, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें कोई 2-4 हज़ार फी जानवर के हिसाब से प्रॉफिट मिले, तो बस वो अपनी कोशिश में, हम अपनी कोशिश में, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है जी। बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने मुनासिब रेट में अपने जानवर बेचे हैं, मुँह मांगे दाम नहीं बेचे। तो दूसरी जानवर शहरी, उनका कहना है कि हमारे पास जो पैसे होते हैं वो जानवर के रेट देख के हमारी जेब भी जवाब दे देती है। तो ये वो व्यापारियों और जो शहरी हैं उनके दरमियान की एक बात थी कि किस तरह से वो जानवरों की खरीदो फरोख्त का एक सिलसिला। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी, वक्त का मुकाबला सख्त। बहावल नगर की मवेशी मंडी महंगाई की भेंट चढ़ गई, बड़ों के हमरा बच्चे भी खरीदारी के लिए मवेशी मंडी में मौजूद हैं। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात बता रहे बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जब बिल्कुल ईद कुर्बान में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से ईद जो मंडी मवेशी हैं इनकी रौनकों में मजीद इजाफा हो गया है। शहरी बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक मर्जी का जानवर जो लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ व्यापारी शिकवा कर रहे हैं कि जो मेहनत वो साल साल से जानवरों की परवरिश में करते हैं उसकी मेहनत वसूल नहीं होती। तो मेरे साथ इस वक्त व्यापारी हजरात भी मौजूद हैं और खरीदार भी मौजूद हैं, और बात कर लेते हैं सबसे पहले खरीदार से। आप बताइएगा जो मर्जी का पसंद आया जानवर? जी आज हम मंडी में जानवर खरीदने के लिए आए हैं। जो जानवर पिछले साल 70,000 का हम खरीद के लेके गए थे, अब वो डबल हो गया, 1,40,000-1,50,000 मांग रहे हैं, जो कि इस टाइम इस महंगाई के दौर में कुव्वत खरीद से बाहर है। अभी मैंने एक जानवर पसंद किया, मेरा ख्याल है शायद 3 मन का भी जानवर नहीं है इनका, इन्होंने 1,30,000 में मेरे साथ फाइनल किया है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं। वहाँ पर जो है वो व्यापारी हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात कर ले। आप बताइए क्यों इतने पैसे मांगते हैं? क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है। पिछली 2000 गंदुम 4500 रुपए गंदुम है, क्या करें, किधर जाएं? 8,000 रुपए का डेली एक बच्चा खाता है। हमें पता होता है साल साल हमें मुंह नहीं धोना पड़ता है बच्चों के मेहनत के लिए। आप तो कह देते एक दिन आपने कुर्बानी की और जान छूट गई, यहाँ 6-6 महीने पसीना नहीं सूखता जानवर का, क्या करें, महंगाई इतनी है, हमारे पहुंच से बाहर है। खरीदार रेट नहीं मुनासिब, खरीदार तो कहते हमें 30,000 रुपए मन मिल जाए, हमें पड़ता 45,000 रुपए मन, हम किधर जाए? आप बताए ना, आप तो कह देते हो। ये थे व्यापारी जो के शिकवा कर रहे थे कि साल साल इन जानवरों की परवरिश करते हैं, खरीदार एक दिन के लिए आते हैं और नखरे भी करते हैं और इनकी मर्जी के रेट नहीं देते। मेरा कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सके, तो ये इस वक्त भावनगर की मंडी मवेशियां, जहां पर बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, खरीदार व्यापारी भी मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ भावताव भी किया जा रहा है। तो इस तरह जो है वो ईद कुर्बा के नज़दीक आते ही मंडियों की जो रौनक है उसमें मजीद इजाफा हो गया है। छोटे बड़े सभी जो है वो का रुख करें और अपनी मर्जी और अपनी बजट के मुताबिक जानवर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। ईद कुर्बान का वक्त करीब आते ही बच्चे खुशी से साथ अफसुरदा भी होने लगे। अपने प्यारे जानवरों से जुदाई का सोचकर ही बच्चे गम से निढाल, बकरों की देखभाल करके नन्हे बच्चों का लगाव इनसे बढ़ गया है। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। बिल्कुल, ईद पे जहां सबकी तैयारियां जारी हैं, वहीं नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं अपने बकरों का
खूब ख्याल रख रहे हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ ही मौजूद हूँ जहाँ पे दो बकरे हैं और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खूब बकरों को प्यार कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि अब कुर्बानी का टाइम नज़दीक आ गया है तो बच्चे उदास भी हो रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली बच्चों ने बकरों के अपने नाम भी रखे हुए हैं, इनसे चल के बात भी कर लेते हैं। एक बकरे का नाम चिंटू है और दूसरे का शेरू है। अभी भी अगर मेरे कैमरा मैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो बच्ची है बड़े ही प्यार के साथ अपने प्यारे बकरे को खाना खिला रही है, उससे प्यार का इजहार कर रही है। सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगी और इसके चिंटू और शेरू नाम क्यों रखे हैं? चिंटू इस वजह से रखे क्योंकि थोड़ा मासूम सा है, कुछ कहता नहीं है और बहुत ही भोला सा है। अगर इसको हम कुछ भी प्यार भी करें तो ये जो है ना कुछ नहीं करता। और दूसरा जो वो वाइट वाला है उसका नाम शेरू से रखा है क्योंकि थोड़ा सा बहादुर है और थोड़ा गुस्से वाला है, तो वो जो है ना उसको कहते हैं हम प्यार करते हैं तो वो जो है ना नहीं कर, वो गुस्से करता है वो बहुत ज़्यादा, इस वजह से उसका नाम शेरू रखा हुआ है। आप क्या कहना चाहोगी, आपका कौन सा वाला फेवरेट बकरा है? मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है, मैं इसे खाना खिलाती हूँ, इसे प्यार करती हूँ। अब ये कुर्बानी का टाइम आएगा मैं इसे बहुत मिस करूँगी। कितना मिस करो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा आपका फेवरेट बकरा कौन सा? वैसे चिंटू सबका फेवरेट बकरा इसलिए क्योंकि ये कुछ कहता नहीं है, आपका फेवरेट बकरा कौन सा है? मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं कहता, इसको प्यार करता हूँ मैं, इसको बहुत खाना खिलाता हूँ, इसको बहुत पसंद करता हूँ। अगर जब इसकी कुर्बानी होगी तो मैं इसको बहुत मिस करूँगा। आप मुझे बताओ आप इनको कैसे मिस करोगे और किस तरह इनका ख्याल रखते हो ये बताओ। मैं इनको बहुत ख्याल रखता हूँ, इनको पानी देता हूँ और इनको खाना देता हूँ, इसलिए मुझे ये शेरू बहुत पसंद है क्योंकि ये बहादुर है। आप क्या कहना चाहोगे, आपका फेवरेट बकरा कौन सा है और इनका किस तरह आप किस तरह ख्याल रखते हो? मेरा फेवरेट बकरा चिंटू है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा ख्याल। इनका ख्याल कैसे रखते हो? इनको टाइम पे खाना खिलाते हैं, इनके लिए पंखा लगाया हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, कुर्बानी का टाइम जो है नज़दीक आ रहा है इसलिए बच्चे जो हैं अपने बकरों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। काफ़ी दिनों से बच्चों के साथ ये बकरे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल बच्चे बच्चों की ही तरह इनका ख्याल रख रहे हैं। गर्मी की वजह से इनको पानी भी पिला रहे हैं, इनके लिए बाकायदा एक फ़ैन लगाया हुआ है। तो इसलिए नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं अब अपने लाडले बकरों की कुर्बानी का क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहा है इसलिए थोड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। जी अलिशबा से बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही हैं। आपको बताएं डेरा गाजी खान में ईद उल अज़हा के इंतजामात के बारे में जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाहिद जमान लख ने इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामी अफसरान सेक्टर इंचार्ज और सैनिटरी वर्कर्स को काम की रिहर्सल करने का हुक्म, मशीनरी अफरादी कुव्वत के वर्किंग के मौका पर चेक करने की हिदायत, कुर्बानी होते ही आलाइशें उठाने के लिए अमला को मौका पर मौजूद रहने की भी हिदायत, इंतजामात में कोताही और गफलत पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। डेरा गाजी खान में ईद उल अज़हा के इंतजामात बारे जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान महर शाह समान लख ने इंतजामात का जायजा लिया। बड़ी ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद ट्रेनों के इंतजार में मौजूद है। मज़ीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, बड़ी ईद बड़ी खुशियां, मुसाफिरों को जो है ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर जो है मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए जो है ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दे रही है। मुसाफिर जो है काफ़ी एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो है अपने बच्चों के साथ और अपने घर वालों के साथ ईद मनाने का एक अलग ही मज़ा है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं जो स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं, जिनका घरों में वापसी का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे, मुल्तान जो है स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या घर वालों के लिए खरीदा है, क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले? जी सर बिल्कुल, मुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, बस बड़ी खुशी होती है ईद पे, बड़ी ईद है, बड़ी खुशी है, तो जा रहे हैं। घर वालों का गिफ्ट, घर वालों के लिए गिफ्ट शिफ्ट लिए हुए हैं और बच्चों के लिए भी लिए हुए हैं गिफ्ट वगैरह। ईद की खुशी है इसलिए घर जाना बड़ा ज़रूरी है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से किरायों में कोई कमी नहीं की रेलवे वालों ने, बस के भी किराए बहुत ज़्यादा थे, रेलवे स्टेशन आए हैं यहाँ पे भी कोई कमी पेशी नहीं हुई, तो मजबूरी है, जाना तो लाजमी है। काफ़ी ज़्यादा है लेकिन टिकट भी जो है वो इनको मिली तो है, लेकिन इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2600 रुपये की रेलवे की हमें टिकट मिली है, यहाँ मुल्तान से इस्लामाबाद जाना है, सारा साल जो है मुल्तान में जॉब करते हैं लेकिन ईद के मौके पर ईद की खुशियाँ जो है अपने घर वालों के साथ बांटने के लिए इस्लामाबाद का वापसी का सफ़र जारी है। अभी इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि घर वालों के साथ जो है बच्चों के साथ ईद मनाने का एक अलग ही मज़ा है, घर वालों के लिए
लिए इनकी जानिब से गिफ्ट्स भी लिए गए हैं और इसके साथ साथ जो है मुसाफिर महंगाई का रोना भी रोते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा चाहिए रेलवे पाकिस्तान को चाहिए। बिलाल बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर का ईद उल अज़हा पर सरकारी ट्रांसपोर्ट किरायों में अमल दरामद कराने का हुक्म, सेक्रेटरी आरटीए का जनरल बस स्टैंड समेत अड्डों पर क्रैकडाउन, जायद किराए वसूल करने वाली 22 बसों को थाना बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी आरटीए ने 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद करके चालान भी किए हैं डिप्टी कमिश्नर का ईद उल अज़हा पर सरकारी ट्रांसपोर्ट किरायों पर अमल दरामद कराने का हुक्म जारी, सेक्रेटरी आरटीए का जनरल बस स्टैंड समेत अड्डों पर क्रैकडाउन। ईद उल अज़हा करीब आते ही जनूबी पंजाब में दफा 144 का नफाज कर दिया गया। दफा 144 7 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। शहरी हदूद में दरियाओं और नहरों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी, शाहराहों और अवामी मकामात पर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, जानवरों की आलाइशों को नहरों और सीवेज नालियों में डालने पर पाबंदी होगी, कुर्बानी के जानवर की खालें बगैर रजिस्ट्रेशन जमा कराने पर पाबंदी होगी, कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी। आपको बताएं ईद उल अज़हा करीब आते ही जनूबी पंजाब में दफा 144 का नफाज, दफा 144 7 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। शहर की हदूद में दरियाओं और नहरों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी, शाहराहों और अवामी मकामात पर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। अब आपको बताएं ईद उल अज़हा से पहले मसाला जात महंगे, गरम मसाले का रेट 2200 रुपए किलो में पहुंच गया, गरम मसाला आलू बुखारा समेत दीगर की कीमतों में दोगुना इजाफा। मजीद बात करते हैं लैया से जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद आमद और यकीनन ईद उल अज़हा के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के साथ साथ जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ पकवान भी बनाते हैं जिनके लिए मसाला जात की जो बुनियादी जरूरत है मसाला जात भी जरूरत पड़ते हैं। इस पर अगर बात करें तो अमसाल जो है जहाँ महंगाई ने दूसरी अशिया को लपेट में लिया, वहीं पर मसाला जात की जो कीमतें हैं वो भी मुसलसल बढ़ रही हैं, जिस वजह से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। मैं मौजूद दुकान पर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आलू बुखारे का रेट गुज़श्ता महीने 600 रुपये किलो था, अब उसकी बाला आलू बुखारे की कीमत वो जो 1000 रुपये पहुँच चुकी है। साथ साथ गर्म मसाले अगर बात करें, गर्म मसाला जो है गुज़श्ता में अगर उसकी कीमत 1200 रुपये थी तो अब उसकी कीमत जो है 2500 रुपये तक फी किलो तक पहुँच चुकी है, जिस वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। कुछ दुकानदार में उनसे बात करते हैं, मेरे से कितनी कीमत बदन कितनी परेशानी देनी पड़ी है, वो परेशानी देनी पड़ी, इतने कीमत बात कर कोई समझ नहीं आती बंदा क्या करे क्या नहीं करा, ठीक है ना। आगे जरा सामान आता है मिसाल 1 लाख रुपये का आता है, हूँ वो सामान तकरीबन 3 लाख रुपये का आता है, खरीदार की नहीं, खरीदार आने ना वो कोई समझ नहीं आने क्या थी ना भाई क्या नहीं थी ना भैया, जी हाँ बड़ी वापस वाले होते इतने चीजें रेट ज्यादा नहीं कोई समझ नहीं आती, खरीदार भी मौजूद है भजन मिसाले गिनने आए हुए कितनी परेशान थी यार कीमत सुन के, मिसाले का रेट जाना बहुत ज्यादा हो गए, ऐसा तो सोच सोच के परेशान है जड़ना भाई करूँ तो करूँ क्या, इतना ही रेट इजाफा थी कि समझ भी नहीं आती क्या करूँ तो क्या ना करूँ, कुर्बानी हो करे सो कुर्बानी करे सो मिसाले गिनने आए हुए कितनी मुश्किल थी नहीं पे, बहुत सी मुश्किल थी नहीं पे, बहुत बड़ी मुश्किल थी नहीं पे, आज याद रेट बात करना आज याद रेट का इजाफा थे गए क्या करूँ गरीब बंदे क्या रेट कम करें, रेट कम करें तो बेहतर है तो गरीब बंदा तो रोल वैसे सेल कितना फर्क पिया फर्क पाया जितना 40-50 हजार सेल करें 18-19 हजार थे खड़ी है सेल दीवार थी, बड़े परेशान है टेंशन है बड़े रेट बात करें चीजों से जिनको जी दुकानदार और शहरी दोनों परेशान दिखे और सबका यही कहना है कि हुकूमत जो महंगाई है उसको कम करने के इकदाम करे, तो सूरत हाल ये है कि मिसाला जात कीमतों के अंदर 2 गुना इजाफा हो चुका है जिस पर दुकानदार और शहरी दोनों परेशान दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।